तो इसमें कुछ देखे थे हमने मेथड्स के, हम पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह करते हैं, तो कोई रिपीट कर देगा कोई कि कल हमने क्या देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। एनीवन कोई भी बता दे क्या पढ़ा सर था। मैं तो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम। सर मैं तो अभी तक इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं अब जो है पॉलीमॉर्फिज्म को दोबारा करूँगी। जी सर आपका हैंड रेज। सर कल हमने वो एक ही नाम से हमने दो मेथड्स बनाए थे, दो मेथड्स, और उनको हम लोग देख रहे थे कि अगर हम एक ही क्लास में एक ही नाम के दो रखते हैं तो वो हमें एरर शो करा रहा था, और अगर हम उसका नाम चेंज कर देते हैं और अगर उसी मेथड को हम एक और क्लास में सेम नेम से, जैसे ऐड का हमने देखा था डिफरेंट क्लास में जो कि पेरेंट वाले से इनहेरिट थी, अगर हम उसको कॉल करते हैं तो वो कॉल हो जाता था, जो कि ओवरलोडिंग होता है कि एक ही नाम से दो डिफरेंट क्लासेस में एक चीज बनी हुई है और वो हम जब उसको रन करा रहे हैं तो वो हो रहा है। जी बिल्कुल सर। अच्छा उसमें हमने कल एक सिंपल मेथड देखा था जिसमें हम था कि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, तो आज हम मजीद देख लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में किस तरह की चीज़ें आती हैं। तो एक तो ओवरलोडिंग आती है और एक ओवरराइडिंग आती है, इसको हम एक कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। जो हमारे ओवरलोडिंग होता है उसको हम कंपाइल टाइम भी कह देते हैं, कि कंपाइल टाइम में मींस ऐसे होता है कि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, जब उसको रन करते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन वहीं गेट करता है और उसको वहीं पता चल जाता है कि मैंने कौन सा मेथड है उसको जाकर कॉल करना है, तो वो होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि उसमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद जब लूप चलता है तो लूप के थ्रू उसको पता चलता है कि मैंने अब कौन सा मेथड है उसको जाकर एक्सेस करना है, तो वो उसको जो एग्जीक्यूशन है वो उसको रन टाइम पर देखता है, वो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेथड को कॉल करता है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है रन टाइम में और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। अच्छा तो हम चलें देख लेते हैं इसे कोड कर कर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अच्छा इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जिसको हम बोलते हैं डक टाइपिंग, डक टाइपिंग मोलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म। आप सपोज कर लें कि ये एक अप्रोच ही है पॉलीमॉर्फिज्म में कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को गेट करते हैं या उसको अचीव करते हैं। अब डक टाइपिंग में ये होता है कि मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ, मैंने क्लासेस ली हैं। अच्छा मैंने एक से ज़्यादा क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस बना ली, मैंने दो या तीन क्लासेस बना ली हैं, उसके अंदर मैंने दे दी हैं मेथड्स जो कि सेम नाम के हैं। अब हर क्लास में एक मेथड है जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब मैं एक मेथड डिफाइन कर दूंगा या एक फंक्शन कर दूंगा, उस फंक्शन के थ्रू उसको बताऊंगा कि अच्छा आपने अब कौन सी क्लास के अंदर जाके किस मेथड को आपने रन करना है। वो ये नहीं देखेगा कि क्लास कौन सी है, क्लास की टाइप कौन सी है, वो उसके अंदर जो मेथड पड़ा हुआ है वो जाकर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। वो डजेंट मीन्स कि क्लास कौन सी है, उसके अंदर क्लास का नेम क्या है, क्लास के अंदर क्या चीज़ें फंक्शन, क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, वो उससे उसको कोई रिलेटिव नहीं है उसके लिए। वो
वो सिंपली जाकर उन फंक्शंस को, उन मेथड्स को जिसको कॉल किया, जाकर उसको रन कर देता है। अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, उसका नेम मैं रख देता हूँ सिंपल से रोबोट रख देते हैं। अच्छा इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ जो कि है साउंड का। अच्छा फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा एक स्टेटमेंट जो भी तो है, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड की। अच्छा अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, उसको मैं अब नेम दे देता हूँ लेट्स सपोज डॉग का दे देता हूँ। इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ करना होगा तो। अच्छा अब इसके अंदर मैं सेम एक फंक्शन, सेम नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ और ये मुझे रिटर्न कर देगा जो भी इसकी साउंड है। सपोज मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा अब मैंने दो क्लासेस बना ली हैं और उनमें दो मैंने मेथड्स हैं वो ले लिए हैं जो कि सेम नाम के हैं, लेकिन जो अलग अलग है रिटर्न वैल्यूज अलग अलग कर रही हैं। वो उसकी क्लास की बेस के ऊपर का वो क्या साउंड है उसको रिप्रेजेंट कर दी। अच्छा मैं अब वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करवाना है, मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ क्लास के बाहर के, तो मैं नेम दे देता हूँ टेक साउंड का, मैं इसको अंडरस्कोर ले लेते हैं। अच्छा इसमें मैं दे देता हूँ ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट जो इसको लेगा। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसका जो साउंड है उसको ये रिटर्न कर देगा। अच्छा अब इसको ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, अब वो देख लेते हैं। मैं ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ लेट्स सपोज मैं एक बना लेता हूँ लिस्ट बना लेता हूँ। चले इसके अंदर मैं दे देता हूँ अपने क्लास का नेम जिनको मैंने रन करवाना है। तो सबसे पहले मैंने क्लास है एक रोबोट, मैं इसको दे देता हूँ, और सेकंड मेरे पास है एक डॉग की, तो मैं इनको दे देता हूँ। अच्छा इन लिस्ट, अच्छा मैं इसको रन करवा रहा हूँ लिस्ट के ऊपर। ये सिंपली ये करेगा कि ये जो लिस्ट मैंने बनाई है इसके ऊपर आइटरेट होगा और उसकी जो वैल्यू है उसको वन बाय वन गेट करेगा, बोर्ड को फिर डॉ को। अच्छा ये क्या करेगा, ये प्रिंट करके मुझे दे देगा। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग के ये साउंड्स हैं। साउंड ये लेगा एक साउंड एंड आए, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा इसने दे रहा पूर्ण ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट टेक साउंड। टेक साउंड आई रोबोट। ऑलराइट यहाँ पर आएगा साउंड मेथड। अच्छा एक सिंपल सा लिखा है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। दो क्लासेस ली हैं और उसके अंदर मैंने सेम नेम के दो मेथड्स ले लिए हैं। ऑलराइट और एक मैंने उनको ऐसे किया कि मैं अगर उनको डायनामिकली रन करवाना चाहता हूँ कि कौन सा मेथड है वो कॉल होगा और किसके अकॉर्डिंग कॉल होगा, तो मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ एक और फंक्शन के थ्रू जो क्लास के बाहर लगाया। टेक नेम का मैंने फंक्शन लिया और मैंने उसको एक दे दिया पैरामीटर और वो रिटर्न कर रहा है मुझे साउंड।
अच्छा, अब इसको मैं वैल्यूज कैसे दे रहा हूँ कि मैंने एक लिस्ट बना ली कि मैंने ये वैल्यूज हैं, ये मेरे पास क्लासेस हैं, मैंने इनको रन करना है और इनके अंदर जो मेथड्स पड़े हुए हैं मैंने इनको गेट करना है। तो मैंने इसमें सिंपली दो क्लासेस है तो मैं दोनों को पास कर दिया, एक रोबोट है और एक डॉग नाम की है। अच्छा, उसको मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं उसको लूप के थ्रू कर रहा हूँ कि मैं उसको खुद ना वैल्यूज दूँ कि हर दफ़ा के पहले रोबोट को रन करो फिर डॉग को रन करो। मैंने एक लूप लगा दिया, वो लूप के थ्रू इसको खुद ही गेट कर लेगा कि लूप जब जीरो वैल्यू होगी इनिशियली तो वो जीरो इंडेक्स पर जाकर उसको उठा लेगा। मैं आपको एनोटेट करके बता देता हूँ। अच्छा, जब सबसे पहले फॉर लूप चलेगा तो इनिशियली इसकी वैल्यू होगी वो होगी जीरो। अच्छा, जीरो के ऊपर अब वैल्यूज का पड़ी है, जीरो के ऊपर पड़ा हुआ है रोबोट। तो इसके अंदर जब रिपोर्ट आएगा जो मैं यहाँ पर टेक साउंड, तो मैंने ये मेथड कॉल किया कि इस मेथड को कॉल करो और इसके अंदर वैल्यूज का चली गई है आई। आई के अंदर था मेरे पास रिपोर्ट की वैल्यू, तो मीन्स यहाँ पर जो डिडक्ट लिया है रिपोर्ट आ गया मेरे पास, इसके अंदर रिपोर्ट क्लास आ गई है, मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूँ सिंपली। अच्छा, अब मुझे रिटर्न क्या करेगा, मुझे ये रिपोर्ट डॉट साउंड। अब ये रिपोर्ट के अंदर जाकर जो साउंड है उस मेथड को कॉल करेगा और उसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उसको मुझे प्रिंट कर कर वो दे देगा। अब ये जो मेथड है यही सेम मेथड अब कॉल होगा हमारी सेकंड क्लास के ऊपर जो है डॉग। अच्छा, उसमें भी सेम वही प्रोसीजर है कि ये जब फॉर लूप चलेगा तो डॉग पर चल जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज वही आ जाएंगी अगली क्लास की और वो उसी मेथड को साउंड का जो है डॉग क्लास के अंदर डिफाइन है उसको प्रिंट करके दे देगा, जिस तरह के नीचे उसने इसमें दिखाया है, प्रिंट होकर आ गया हमारे पास दोनों अलग अलग। अब मेथड एक ही है लेकिन दो अलग अलग क्लासेस हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक रोबोट है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एक डॉग है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग थिंग है एक नॉन लिविंग थिंग है। अब इन्फो जो हमने प्रिंट करवाया है उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि क्लास कौन सी है, क्लास का नेम क्या है, क्या मैं जो क्लास कर रहा हूँ ये वाकई इसे रिलेट करता भी है कि नहीं करता है, उसने इस चीज़ को नहीं देखा। उसने सिंपली जो भी कॉल हुआ उस क्लास के अंदर जाकर उसने उस मेथड को उठाया और उसको उसने पेंट कर दिया है। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है जिसको हम डक टाइपिंग भी कहते हैं, जो हम इस तरीके से करते हैं। ये क्लियर है सबको कि जो अभी अपन देखी है चीजें? हाँ जी सर मुकम्मल मैं क्लियर नहीं होगा सर, एक ये वाला समझ नहीं आया जो आपने क्लास के बाहर ये फंक्शन डिफाइन कराया ना, डिफाइन टेक साउंड, एक ये वाला और एक ये रिटर्न हेलो वर्ड, ये क्या चीज है, ये मैंने पहले नहीं पढ़ी, रिटर्न हेलो वर्ड, रिटर्न वूफ ये चीज, और रिटर्न ऑब्जेक्ट साउंड, ये चीज नहीं समझ आई। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? एनीवन? सर शुरू में तो ठीक है, समझ आ रहा है कि आपने एक क्लास डिफाइन किया रोबोट के नाम से, फिर हमने आगे डेफ का फंक्शन यूज किया, नेक्स्ट हमने दूसरी क्लास डॉग से डिफाइन किया, वो हमारी आगे हमें चाइल्ड फंक्शन बना क्लास दिया है ना है। एक डेफ साउंड का जी बिल्कुल सेल्फ जी। और जो थर्ड सर जो आपने कोड लिखा है ना, लाइक जो है डेफ टेक साउंड, सर वहां से प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ऑलराइट। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना ये डक टाइपिंग का भी है और इसको आप कह सकते हैं कि ये ओवरलोडिंग का भी है, फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब कैसे है? अच्छा, वो देखते हैं। जब हम इस तरह से करते हैं ना कि डक टाइपिंग के थ्रू, डक टाइपिंग पॉलीमॉर्फिज्म जो टेक्निक है उसके थ्रू करना है, तो उसमें हम ये होता है कि हम हमारे पास क्लासेस जो हैं उसमें फंक्शन भी डिफाइन है सेम नाम के, लेकिन वो अलग अलग जो है वो चीज़ें हमें रिटर्न कर रहे हैं। मतलब जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट साउंड कर रहा है हेलो वर्ड का और उसका जो फंक्शन है वो हेलो वर्ड की स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, और जो डॉग है वो अलग साउंड कर रहा है और वो अलग स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न कर कर दे रहा है। अच्छा, जी सर यहाँ तक तो क्लियर है। मैंने एक मेथड मेथड बना दिया है कि मैं जैसपोज मैं एक मिनट
आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम पहले करते थे कि मैं एक पहले ऐसे ऑब्जेक्ट बनाता था एक क्लास का, इसके अंदर फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर जो कौन सी भी वैल्यू थी मैं उनको वैल्यू देता था। लेट्स सपोज के सम का है तो मैं इसको वैल्यू देता था और मैं उनको फिर जाकर एक्सेस करता था ऐसे हेलो वर्ड जैसे किया है। अच्छा मैंने अब कह रहा कि मैंने इस तरह निकलना है मैनुअली जाकर कि मैं पहले रोबोट का इंस्टेंस बनाऊँ फिर मैं डॉग का भी बनाऊँगा बनाना हो तो फिर मैं फंक्शन को कॉल करूँ मैं उसमें अंदर वैल्यूज को उनको दूँ। मैंने इस चीज़ को अवॉइड करना है। अच्छा इस चीज़ को अवॉइड करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ कि जो फंक्शन है वो फंक्शन के थ्रू वो उस वैल्यू उस मेथड को डिफाइन कर देता हूँ और उसके थ्रू वो जाके वैल्यूज को एक्सेस कर ले। मैं ये काम ना करूँ जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने अवॉइड करना है। अच्छा अब वो कैसे करता है, मेरे को थोड़ा क्लियर कर दूँ। ओके, तो सर जैसे हम ठीक है पहले काम करते थे नीचे, आपने उसी के ऊपर वो पेरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट वहां मैंने आपने फिर एक डिफाइन कर उनका एक दिया। मैंने एक जी उसका मेथड बना लिया। अच्छा उसको जी मैंने जी नेम दे जी दिया टेक साउंड, कि ये साउंड को गेट करेगा तो कौन जी सी करनी है। ठीक एक उसमें मैंने दे दिया एक पैरामीटर कि अच्छा इसमें वो आएगा कि कौन सी क्लास को जाकर आपने एक्सेस करना है। अब ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, वो सिंपली रिटर्न कर देगा कि जो से भी क्लास आई है ना उसके अंदर इस मेथड को कॉल कर देना। अच्छा नीचे जाकर फिर मैंने उसको वैल्यू दे दी कि अच्छा आपने वैल्यू लेनी कैसे है। वो मैंने इसको जितनी भी क्लासेज हैं उसको मैंने एक अरे में बना दिया कि अच्छा ये अरे है इसके ऊपर फॉर लूप लगाकर वैल्यूज को जाकर पिक कर ले। अब जब फॉर लूप चलेगा तो इनिशियली ये रोबोट को लेगा, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया टेक साउंड का कि जो कि मुझे बताएगा कि अच्छा कौन सी क्लास में जाकर वैल्यूज को गेट करना है। इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास हमारे पास कौन सी आ जाएगी, रोबोट की। तो ये रोबोट की क्लास के अंदर जाकर जो साउंड का मेथड है उसको रिटर्न कर देगा जो कि मुझे रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ड नीचे जाकर, तो नीचे टर्मिनल में आउटपुट आ रही है। इसी तरह फिर वो डॉग को रन करेगा और डॉग के अंदर जो मेथड है साउंड का उसकी मुझे जो आउटपुट है वो रिटर्न कर देगा। तो हम इस तरह जो कर रहे हैं ये हमारे पास डक टाइपिंग की एक टेक्निक और आप इसको ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं। ओवरलोडिंग भी ऐसे ही होती है कि फंक्शन सेम नेम के हैं अलग अलग क्लासेस में। यहाँ तक क्लियर है, अब क्या है ये चीज़ हम पढ़ सर, रहे हैं ये जो जो हैं। एक क्वेश्चन है कि जो ओबीजी है इसकी समझ आ गई, ये जो मतलब थर्ड आपने फंक्शन बनाया जो क्लास से बाहर है, इसमें जो ओबीजी है टेक साउंड के आगे ये क्लास को रेफर कर रहा है, लेकिन जो फुल एंड पे आपने फोर आई इन लिस्ट है, ये आई किस चीज को रेफर कर रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये जो आई टेक साउंड आई वहां अच्छा पे मतलब ओबीजी और यहाँ पे आई। ये जो आई है ना ये रोबोट और डॉग की क्लास को रेफर करता है, जैसे फार आई इन द लिस्ट। अब लिस्ट में हमें दो चीजें दी गई हैं, रोबोट और डॉग। पहले ये आई रोबोट पे जाएगा, फिर इस पे ये नीचे वाला फंक्शन आएगा इसको प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद दोबारा ये आई डॉग पर जाएगा, डॉग की क्लास को लेगा आई थिंक, और फिर ये जो फंक्शन है डेव का इसको लेगा और फिर इसकी आवाज को जो भी है वो प्रिंट करवा देगा। तो सर यहाँ हम आई की जगह ऑब्जेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना अपनी आसानी के लिए। हाँ, इस अच्छा तरह ऑल ऑर्डर राइट, अगर सर हो सकता है तो एक दफा ट्राई जो करके दिखा। फॉर जी लूप होता है ना, अच्छा फॉर लूप हम किस तरह रन करते हैं कि फॉर लूप पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, ये आई एक जी वेरिएबल है, ये पॉइंटर कर लें आप जैसे आप ये समझ लें। ये जी रन किस पर होगा, ये इस पर रन होगा इस लिस्ट के ऊपर। अब जी लिस्ट के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं। फॉर लूप जब स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 जी थ्री और 4। ये सिंपली जब फॉर लूप फर्स्ट टाइम रन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब फर्स्ट टाइम जी ये रन होगा फॉर जीरो लूप जीरो जीरो होगी, पर इंडेक्स जीरो इन इंडेक्स लिस्ट। जी लिस्ट के अंदर जाकर ये देखा कि जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है। अब जीरो इंडेक्स रोबोट के ऊपर वैल्यू पड़ी है रिपोर्ट, तो ये जी रिपोर्ट को यहाँ पर पास कर देगा इस फंक्शन के जी अंदर, तो फिर इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी जी रिपोर्ट की। जी ये जो हमने लिखा ना इस पर आप जो सा मर्जी नेम ले जी सकते हैं, जो मर्जी नेम ले लें, आई ले लें, ए ले लें, बी ले लें, ए टू सी जो मर्जी ले लें आप, ये आप पर डिपेंड करता है। इसने सिर्फ इसके ऊपर चलना है, इस लिस्ट के ऊपर, इस फॉर लूप का सिर्फ यही काम है इसमें।
सर ये ओके रोबोट जो सबसे पहले इंडेक्स जीरो पे जाएगा, तो रोबोट, ये रोबोट क्लास के ऊपर जाएगा, जैसे क्लास रोबोट है उसके ऊपर नहीं जाएगा ये, क्या यहाँ नीचे डायरेक्ट प्रिंट की तरफ आ जाएगा? अच्छा, मैं उसको एक्सेस कैसे कर रहा हूँ? मैं रोबोट क्लास को एक्सेस कैसे कर रहा हूँ कि मैं उसको एक मेथड के थ्रू कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया टेक साउंड का। अब आई के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या आई कि जब ये पहली बार चलेगा, आई के अंदर मेरे पास वैल्यू आई है रोबोट की। अच्छा, तो मैंने आई को पास कर दिया इसके अंदर टेक साउंड के अंदर। अब यहाँ जाकर वो इसको जाकर रोबोट क्लास में साउंड को एक्सेस करेगा। Is that clear? यस सर, क्लियर हो गया। जी सर। हाँ सर, मुझे ना इस बात की समझ नहीं आ रही, लाइक ये प्रोग्राम रन कर रहा है ये तो समझ आ रही है, लेकिन ये डक टाइपिंग के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है? लाइक हम लोग कहते हैं कि डक टाइपिंग उस तरह की टाइपिंग होती है जिसमें क्लास जो होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि एट्रीब्यूट या मेथड जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये डक टाइपिंग के लिहाज से किस तरह ये प्रोग्राम जो है इम्पोर्टेंट है, मतलब इस कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब मैंने इसको रन किया ना टेक साउंड को, अच्छा तो उसने साउंड लिया है, तो वो इस चीज़ को नहीं देख रहा है कि अच्छा रोबोट के मैं गया हूँ क्लास के ऊपर, तो रोबोट के अंदर जो साउंड है वो उसको फैमिलियर भी है कि नहीं रोबोट के साथ, उसको इससे गर्ज नहीं है। उसने जाकर अंदर जो मेथड है उसको जाकर उसने रन कर दिया सिंपल। इसी तरह वो डॉग के अंदर जाएगा और डॉग पर जाकर वो रन कर देगा। तो वो क्लासेस के नेम पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्लास का नेम है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है कि नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा, वो सिंपली जाकर जो मेथड है उसको जाकर रन कर रहा सर जा तो रहे ना, मतलब क्लासेस के नेम पे जा रहे हैं, लाइक आपने यहाँ पे वन है, यहाँ से ये रिपोर्ट टेक्स ऑन, मतलब आई से हम यहाँ पे रोबोट पे जाएंगे, वो फिर तो हम यहाँ उसको पे जाएंगे, रेफरेंस फिर दे वो रहे हैं ना। ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे हेलो वर्ल्ड को यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। तो तो वो क्लास तो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब हम लोग क्लास के नेम के जरिए ही यहाँ तक गए हैं ना। नहीं, क्लास को पर रेफर तो करना है ना कि कौन सी क्लास की इनपुट को जाकर रन करना है, उसको सही, डायरेक्शन तो देनी है ना कि आप इस क्लास में जाकर इसको रन करें। अब उसको क्लास का नेम ही देंगे कि आप इस क्लास में जाकर इसको रन करें, तो वो उसको रन ही नहीं करेगा। फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आ रही। नहीं, क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम उसको रेफर तो करेंगे ना। अच्छा, वो इसको ये नहीं देखेगा कि क्लास के नेम क्या है, क्लास के अंदर जो जो नेम लिया है वो उसके अंदर जो फंक्शन लिखे हैं वो उसको रियलिटी भी करें, उसको रिलेट भी करें कि नहीं करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने रोबोट लिया, वो मैंने लिया लिया साउंड, उसको एक मैंने रिटर्न कुछ और कर रहा है। यहाँ पर डॉग लिया साउंड है, वो रिटर्न कुछ और कर रहा है। अब दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, अलग नेम है, अलग एक लिविंग थिंग है एक नॉन लिविंग थिंग है। अब प्रोग्राम इस चीज़ को नहीं देख रहा है कि वो लिविंग थिंग है उसकी आवाज़ है और नॉन लिविंग थिंग है उसकी आवाज़ अलग है। तो वो नॉन लिविंग थिंग की तो आवाज होती ही नहीं है, तो मैं इसको रन ही नहीं करूंगा, मैं साउंड को रन ही नहीं करता। वो इस चीज को नहीं देखेगा। नेमिंग को हम यूज करेंगे कि उसको रेफर करने के लिए कि इस क्लास के अंदर जाकर इसका जो मेथड है उसको जाकर रन कर दें। वो इस चीज को तो हम रेफर करेंगे ना पॉइंट करने के लिए। सही, अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी को समझ ना आई हो अभी तक? सर क्लियर है अब। ऑलराइट। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल की और भी देख लेते हैं। इसको मैं लेट सपोज करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, एक और नई एग्जाम्पल की देख लेते हैं। अच्छा, मैं क्लास ले लेता हूँ, लेट सपोज कार नाम की ले लेता हूँ। इसमें मैं एक इंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया सेल्फ, और मैंने इसमें दे देता हूँ कि कार का लेट्स सपोज नेम दे देता हूँ,
और मैं दे देता हूँ उसका रिलीज डेट, दे देता हूँ किस ईयर में वो आई है, ईयर कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसका एट्रीब्यूट भी बना लेता हूँ, नेम मैंने ले लिया और सेफ डाउट रिलीज ईयर को मैं रिलीज ईयर ही कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक मेथड ले लेता हूँ डेफ का, जो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, लेट्स सपोज कि ये मुझे इसका नेम रिटर्न कर देगा। अच्छा, तो मैं इसको कराता हूँ सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ, चले द नेम ऑफ दिस कार इज ये सिंपली कर देगा सेल्फ डॉट नेम आ गया। अच्छा, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, चले उसको मैं नाम देता हूँ कि कार, तो उसको मैं दे देता हूँ इसको बाइक का दे देते हैं, कार से नेट कर दिया। इसमें बाइक का भी नेम दे देते हैं लेट सपोज, और फीचर्स ने दे देते हैं। सेल्फ डॉट फीचर्स ले लेते हैं सिर्फ। अच्छा, इसके अंदर भी एक मेथड दे देता हूँ जो कि मुझे रिटर्न कर देगा फीचर्स को, फीचर्स या चले नेम सेम ले लेते हैं, नेम कर लेते हैं मेथड। तब ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ये भी कर देगा नेम ऑफ दिस बाइक इज सेल्फ डॉट नेम। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ अगेन, मैं एक लेट्स सपोज एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं दे देता हूँ सबसे पहले चाहे मेरे पास कार, कार के अंदर मैंने लिए थे दो पैरामीटर थे, एक था नेम और एक था मेरे पास रिलीज ईयर। तो नेम लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ जो भी है 4 दे देते हैं, और रिलीज ईयर मैं दे देता हूँ कि ये 2000 में आई है। सर अच्छा, बाइक में सेटिंग हम मेरे पास है कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करेंगे। बाइक, कर भी सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं किया कि कार एक अलग है बाइक एक अलग है, तो कार का नेम अलग होगा बाइक का नेम अलग होगा, तो मैंने इसलिए उसको नहीं किया। कर भी सकते हैं, क्योंकि सर मुझे था कि हम इनहेरिट कर रहे हैं तो ये चाइल्ड क्लास है और इसमें हम, लेकिन हाँ इसका फीचर अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट है। तो सर यहाँ पे हम वो नहीं यूज करेंगे लाइक जैसे हम पहले करते थे सुपर कंस्ट्रक्टर। जी चले मैं वो भी कर देता हूँ। अच्छा, बाइक का नेम ले लेते हैं लेट सपोज, बाइक का नेम तो मेरे माइंड में अभी यही है, ये रिलीज ईयर इसका दे देते हैं 2023 लेट सपोज दे देते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ लेट सपोज, मैं दोबारा लिख देता हूँ अच्छा दिस वन एंड
मैं यहाँ ले लेता हूँ। एंड फीचर्स भी ऐड कर देते हैं। सर ये क्या इशू दे रहा है? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी मैम। सर, हम लोग जो ये जो चाइल्ड क्लास होती है इसमें सुपर का फंक्शन तब यूज करते हैं ना जब हमें पेरेंट क्लास में से कुछ प्रॉपर्टीज सेम चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो या समथिंग लाइक दिस। अब जो हमारी चाइल्ड क्लास है, अब इसमें आपने नेम और रिलीज ईयर लिखा है सही, लेकिन जो चाइल्ड क्लास का नेम और रिलीज ईयर है ये पेरेंट क्लास वाला तो सेम नहीं ना होगा, ये तो डिफरेंट है, तो फिर तो हम हम सुपर का उसको जो फंक्शन पास क्यों यूज कर करेंगे। रहे हैं? अच्छा मैं 1 मिनट। आई थिंक जहाँ हमने सुपर लिखा है तो वहां हम इनहेरिट कर रहे हैं सर, अच्छा वो एट्रीब्यूट वहां यूज करेंगे, मुझे तो अच्छा ये मैं समझ ये में नहीं। करूँगा कि अच्छा नेम हमारा क्योंकि चेंज होगा, लेट्स सपोज कि बाइक का नेम भी चेंज है और कार का नेम भी चेंज है, जैसे कि यहाँ मैंने इनपुट में दिया है। अच्छा तो मैंने इसको दिया है बाइक के पैरामीटर्स के अंदर, तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं इसको बाइक के पैरामीटर्स को जब कॉल करूँगा तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी मुझे वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी कि मैंने नीचे यहाँ पास की हुई है, तो वो इसकी वैल्यू को लेगा ना कि वो इसकी वैल्यू को लेगा कार की। सर मैंने यहाँ पर एक और लिया था, क्या था, बाइक का नेम आपने और फीचर लिया इंटीरियर। था फीचर चले ले लेते हैं, इसको मैं कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट बना लेता हूँ। फीचर इसको इक्वल टू फीचर ही रख देते हैं। अच्छा लेट्स सपोज, तो मैं इसको फीचर अब क्या दे दूँ कि इसमें फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में सिंपली गियर दे देते हैं। चले अच्छा अब इसको रन भी करना है इन लिस्ट। मुझे ये प्रिंट क्या कर कर देगा, प्रिंट मुझे ये कर कर देगा कि आई डॉट एक्सपोज नेम कर दे। मैं इसको चले रन करता हूँ। अच्छा इसमें एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नोट कॉल लेवल सर, यहाँ पे और वेर इज नेम द। इनटू आई जी मैम। सर, यहाँ पे जो प्रिंट की कमांड है यहाँ पे नेम इनटू आई नहीं आना चाहिए, मतलब हमने यहाँ पे जाना है और फिर आई देना चाहिए। मैं इसको कर रहा था कि मैं तो रन टाइम पर कॉल करूं आई डॉट नेम। अब आई मेरे पास यहाँ पर क्या है, इनिशियली 0 है, तो 0 पर मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, कार की क्लास है, तो आई डॉट नेम यानी कि कार डॉट नेम के अंदर जो मेथड है उसको रिटर्न रिप्रेजेंट कर दे, तो ये रन टाइम पर इसको वैल्यू को एक्सेस करे। क्लियर है आपको? जी अच्छा इसमें मैं एरर ये दे रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा तो इसमें लेट्स सपोज हम ऐसे करते हैं कि सर, प्रिंट में ऑब्जेक्ट डॉट नेम आई जाएगा। सॉरी सर। प्रिंट में ऑब्जेक्ट डॉट नेम आई जाएगा। सर ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? डिफाइन नेम आपने वो किया है ना। सर आपकी बात क्लियर नहीं है।
तो सही। सेल्फ डॉट नेम जो कुछ इक्वल सेल्फ डॉट रिलीज ईयर मेथड डिफाइन, उसके बाद जब सेम इनहेरिट किया है उससे, फीचर्स हैं उसका इंटरेंस बना लिया है या तो अगेन। अच्छा वाई का आ गया, उसके बाद उसको इनपुट दे रही है फॉर आई इन लिस्ट, जिसके अंदर आई है स्ट्रिंग क्यों ले रहा है ये। सर मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप प्रोग्राम को रन जी किस तरह करवाना चाह रहे हैं। मतलब आपको कैसे लग रहा है कि प्रोग्राम किस तरह रन करना चाहिए। अभी आपने यहाँ पे लिखा है आई डॉट नेम, इसका मतलब क्या है? जब आई 0 होगा तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी कार फॉर, ठीक है? तो अब उसके बाद आपके ख्याल में किस तरह रन होना चाहिए? अच्छा मैं इसको करवा रहा हूँ रन टाइम के ऊपर। रन टाइम के ऊपर ऐसे है कि आई जो है उसकी वैल्यू है जीरो, जी, ये जीरो उसकी ये इंडेक्स पर वो वैल्यू है। इसको कार को जाकर उठा लेगा। हाँ, अच्छा उठा लिया। अब उसके बाद क्या करेगा? कार के आई आई के अंदर जब होगा कार, तो कार डॉट नेम, तो कार के जी क्लास के अंदर जाकर वो नेम का जो मेथड है ना जो कि ये डिफाइन किया हुआ है, इसको वो प्रिंट कर दे। इसके अंदर अच्छा, अपनी प्राइवेट प्रिंट है द नेम ऑफ द कार इज सेल्फ डॉट नेम, जो भी मैंने नेम यहाँ पर पास किया है ये फोर्ड पास किया है, तो ये मुझे नीचे प्रिंट कर कर दे दे। तो मैं उसको सही रन बात। टाइम पर वैल्यू देना चाह रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि ये स्ट्रिंग का एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वो है ये वैल्यू एज अ स्ट्रिंग लेनी नहीं चाहिए इसको, जिसके अंदर मैंने मेथड पास किए हैं। सर आप अगर फोर्ड और 2000 जो लिखा है इसको हटा के देखें तो क्या ये प्रिंट की स्टेटमेंट फिर प्रिंट कराते हैं द नेम ऑफ दिस कार इज सिर्फ, बल्कि नहीं फिर तो फोर्ड वैसे वो रद पास ही नहीं नहीं होगा हो क्योंकि मैंने यहाँ पाएगा। पर पैरामीटर्स लिए हुए हैं, तो वो रन ही नहीं होगा। अच्छा आई डोट अच्छा इसमें अंदर मैं लेस को जरा ही पास करता हूँ तो नहीं ये एरर दे रहा है कुछ, नेम इज नॉट डिफाइंड। पर सिंपली मैं इसको करूँ तो ये क्या दे रहा है। अच्छा वो कार को ले रहा है और उसकी लोकेशन बता रहा है कहाँ पर है। अच्छा फाइन यहाँ तक तो चल रहा है। कार डॉट मेथड को मैंने कॉल किया नेम, और राइट नेम आ गया, तो वो नेम को भी कह रहा है फोर्ड एंड जो भी नेम था। अगर मैं उसको एज ए फंक्शन कॉल करता हूँ तो तब वो मुझे एरर दे रहा है कि ये कॉलेबल नहीं है। और राइट अच्छा आई डोंट नो कि वो ऐसा फंक्शन है, मैं उसको जब कॉल कर रहा हूँ तो वो उसका रन क्यों नहीं कर रहा, वो उसको स्ट्रिंग एरर क्यों दे रहा है, लेकिन जब मैं सिंपली इसको बाय नेम कर रहा हूँ तो वो मुझे उसको प्रिंट कर कर दे रहा है। अब आई डोट नेम, आई क्या थी मेरे पास फर्स्टली कार थी, तो कार का जो नेम है उस नेम को पास कर कर दे रहा है सिंपली, तो मैंने जहाँ पर नेम यहाँ पर पास किया था, लेकिन वो मेथड को नहीं कर रहा। आई थिंक सो कि इनका नेम सेम है शायद इसलिए पुकार रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सेल्फ आपने जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखी है दूसरे मेथड में, इसी में द नेम ऑफ दिस कार इज, इसके नीचे रिलीज ईयर के लिए भी आपको प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी पड़े? क्योंकि मेथड में तो सिर्फ वो फॉर्ड पास हुआ तो वो इसमें जाके हो गया स्टोर, लेकिन रिलीज ईयर के लिए कोई स्टेटमेंट चाहिए, या वो प्रिंट इस वजह से नहीं करा रहा, उसी वजह से वो इंटीजर और स्ट्रिंग में जो है वो उसको एरर दे रहा है कि ये दोनों नहीं हो सकते स्ट्रिंग का, जैसे आपको एरर आ रहा था। लेकिन वो ऊपर दिया है ना रिलीज ईयर। वो दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको प्रिंट शायद नहीं करवाया, इस वजह से प्रिंट की नहीं तो स्टेटमेंट उसके लिए शायद लिखनी पड़े। वो ईयर सर ने दिए हैं ना 2000 एंड 2023। रिलीज ईयर जो है वो तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है ना,
जी तो उसको तो मैं बाय नेम भी कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर नेम दिया, या नेम की जगह मैं रिलीज कर देता हूँ तो वो उसको भी प्रिंट कर देगा। अच्छा, ओ अच्छा मैं मेथड को देख रहा हूँ कि मेथड को मैं रन करना चाहता हूँ, कि मुझे मेथड की इन्फॉर्मेशन चाहिए नेम की, द नेम ऑफ द कार इज, ये ऐसे क्यों दे रहा है। सर यहाँ पे ये एफ किस चीज को शो कर रहा है? ये तो पाइथन का सिंटैक्स है ना, अगर स्ट्रिंग को अगर फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है तो एफ लगा देते हैं, ये बिल्ट इन फीचर है पाइथन का। फिर आई डॉट कार शायद नहीं करना पड़ेगा, शायद आई डॉट कार शायद। तो आई के अंदर तो कार की वैल्यू चली गई है ना, आई के अंदर तो कार पड़ा हुआ है, अब कार के अंदर मेथड कौन सा कॉल करना है, नेम का करना है। रिटर्न भी करके देख लेता हूँ, रिटर्न ये क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम रिटर्न करते और सेम ये भी रिटर्न ऐसे कर दे। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल लिस्ट है कार के अंदर, नहीं मैं तो स्ट्रीम पड़ा है, डैशबोर्ड में उसको चेंज करके देख लेता हूँ, तब वो एरर दे रहा है, इसको एज ए स्ट्रीम पास करना पड़ेगा। और अच्छा फीचर है वो भी दे रहा है, ऑलराइट। अच्छा, मैं पूछिए इसका नहीं आइडिया कि ये ऐसा एरर क्यों दे रहा है, तो मैं इसको तो अपने एंड पर देखूंगा सेशन के बाद, इसमें क्या एरर आ रहा था, तो उसके बाद मैं इसको स्लैक पर कोड को शेयर कर दूंगा। सिंपली मैं इसको डिफाइन ये कर देता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, कि मैं चीज़ जो भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, अब सेम नेम है दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर, तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव हो रही है, कि कार का जो मेथड है नेम का, वो कार की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट कर कर मुझे दे रहा है, और जो बाइक के अंदर है वो मुझे बाइक की कर कर दे रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों जो हैं ओवरराइड हो रहे हैं। ओवरराइड इस तरह हो रहे हैं कि मेथड सेम ही है, लेकिन एक फंक्शन के अंदर वो कुछ और मुझे प्रिंट कर कर दे रहा है, और दूसरे फंक्शन दूसरे क्लास के अंदर वो मुझे कुछ और प्रिंट कर कर दे रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड तो मैं उसको अचीव कर रहा हूँ रन टाइम के थ्रू, कि मैं उसको पहले ना बताऊँ कि मैंने, अच्छा इस क्लास के जाकर पहले एक साथ करो फिर इसको करो, उसको मैं रन टाइम पर दे रहा हूँ कि मैं उन्होंने उसको एक फॉर लूप लगा दिया, कि अच्छा ये लूप है, इस लूप के ये वो इन्फॉर्मेशन दे दी कि अच्छा लूप चलना किसके ऊपर है, लिस्ट के ऊपर चलेगा, तो उसको जाकर वहाँ से वैल्यूज को गेट करो कि कौन सी क्लास का कौन सा मेथड है उसको आपने रन करना है, तो वो मैं उसे यहाँ पर रन टाइम के ऊपर बता रहा हूँ,
उस मेथड को कॉल करके बाद करने के बाद। तो सिंपली मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ कि रन टाइम के ऊपर हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।